यूपी में अब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। मथुरा के गांव पचहरा में पंचायत चुनाव को लेकर नुक्कड़ सभा की गई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बने आरक्षण जारी होते ही उम्मीदवार गांव गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, एक और युवा का साथ मांग रहे हैं। आज पचहरा में पहुंचे जिला पंचायत प्रत्याशी कैलाश चौधरी गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद रहे रामोतार रावत, प्रकाश चंद, कपिल रावत, मुकेश शर्मा, लव रावत, नितिन रावत, रिंकू शर्मा, देवो ठेकेदार, मुकेश रावत, भगवान दास शर्मा, ब्रजेश शर्मा, समस्त पचहरा युवा साथी मौजूद रहे। मथुरा से हमारे जिला संवाददाता सिटी टीवी 24 न्यूज के लिए उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज जो सभा हुए, किस मुद्दे को लेकर हुई आज की सभा? हाँ, ये उस मुद्दे को लेकर हुई कि आगामी चुनाव में ये जो चुनाव आ रहे हैं पंचायती चुनाव, तो हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं जी। और अब की बार जो हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, सभी गाँव गाँव जाकर मैं सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, सभी नौजवान साथियों से मिल रहा हूँ और भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरा सम्मान दे रहे हैं लोग। और इस बार सभी लोगों के सहयोग से ये पंचायती चुनाव में कदम बढ़ाने की सोच रहा हूँ। इसी उपलक्ष्य को लेकर गाँव पचहरा में आज हमारे मीटिंग। तो किस वार्ड से लड़ रहे हैं सर आप? मैं 5 नंबर वार्ड से। अच्छा, नाम क्या है सर आपका? कैलाश चौक सदीकपुर। भारत माता की, भारत माता की।